Hey guys, what is up everybody? तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल NS Reaction में। So guys, आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, वो वीडियो का टाइटल है What India Can Learn From Israel। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को इसराइल से सीखनी चाहिए। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इसराइल हमारा एक मतलब बहुत अच्छा मित्र राष्ट्र है, और मतलब उनकी जो डिफेंस सेक्टर है वो वर्ल्ड में सबसे मतलब बेस्ट में एक आता है उनका भी। उस हिसाब से हमें क्या चीज़ें उनसे सीखना चाहिए, तो वो हमें वीडियो में बताए। तो चलो वीडियो को चेकआउट करते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। तो लेट्स यो बूम द थिंग गोस सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस के आंसर इसके फ्रेश एपिसोड में। भारत और इसराइल ये दोनों ही डेमोक्रेटिक नेशन हैं, जिसमें जहां एक तरफ भारत को आज़ादी 1947 में हासिल हुई, तो वहीं इसराइल को इसके एक साल बाद 1948 में। और इन दोनों ही देशों में इनकी आज़ादी से लेकर आज तक एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन रही है, और वो यह है कि ये दोनों ही देश अपने पड़ोसियों से सबसे ज्यादा परेशान हैं, और इसीलिए इनकी जो सुरक्षा चुनौतियां होती हैं वो भी लगभग समान ही होती हैं। लेकिन इतनी सारी समानताएं के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि इसराइल का जो डिफेंस सेक्टर है वो भारत की तुलना में ज्यादा अच्छी तरीके से मैनेज्ड है। और इसलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो भारत डिफेंस सेक्टर में इसराइल से सीख सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अगर बात आएगी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज की, तो इसकी टॉप फोर लिस्ट में भारत शामिल है। लेकिन अगर बात आएगी इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिट्रीज की, तो इस मामले में इसराइल का नाम टॉप कंट्रीज में आएगा। और इसका मुख्य कारण यह है कि इसराइल को भारत से पहले इस बात का एहसास हुआ है कि अगर उसे इस हॉस्टाइल एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है तो उसे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और यही कारण है कि इसराइल आज के समय में डिफेंस इक्विपमेंट के सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में आता है। और अगर इसराइल के लिए सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, तो उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि इसराइल ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और इसराइल अपनी R&D में जितना निवेश करता है, इतना निवेश तो अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री भी नहीं करती है। और जबकि भारत में तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में GDP का मुश्किल से 0.8% हिस्सा ही निवेश होता है। और इसराइल अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस को स्थापित करने के लिए 2-प्रॉन्ग पॉलिसी को फॉलो करता है। इसमें जहां एक तरफ इसराइल ने शुरुआत में दूसरे देशों से डिफेंस इक्विपमेंट्स को इम्पोर्ट करने पर जोर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने उन वेपन सिस्टम्स को समझ के अपने लोगों को एक नया वेपन सिस्टम बनाने के काबिल बनाया। और ये बात इस फैक्ट से क्लियर हो जाती है कि इसराइल अपने डिफेंस सेक्टर में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को एक बड़े पैमाने पर नियुक्त करता है, क्योंकि आज के समय में इसराइल की डिफेंस इंडस्ट्रीज करीब 75% आर्म्स को एक्सपोर्ट कर रही है। इनके अलावा इसराइल की एक खास बात यह है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट इनोवेशंस पर सबसे ज्यादा निवेश करता है। और शायद आप में से कई लोगों को ये बात मालूम ना हो कि इसराइल दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसने बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए सोल्जर्स को रिप्लेस करके रोबोट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है, और जिसमें इसराइल ने नॉर्थ में सीरिया के साथ लगी अपनी सीमा और साउथ में गाजा स्ट्रिप के साथ लगी अपनी सीमा पर गार्डियन UGVs यानी कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स को पेट्रोलिंग के लिए डिप्लॉय किया है। यानी कि इन सीमा क्षेत्रों पर सोल्जर्स पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, वहाँ पे इसराइल के रोबोट्स पेट्रोलिंग करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सोल्जर्स की जान को खतरा कम रहता है, और आप कम नुकसान के साथ दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और इसराइल के जो एक गार्डियन UGV है जो कि पेट्रोलिंग करता है, उसमें सेंसर्स, कैमरास और कई अलग अलग तरह के हथियार भी लगाए गए हैं। और इसको इसराइली सोल्जर काफी लंबी दूरी से अपने कमांड सेंटर से ही वहां बैठे बैठे ऑपरेट करता है। और ये सब लेटेस्ट इनोवेशंस इसलिए संभव हो पाते हैं क्योंकि इसराइल में कई सारी पब्लिक और प्राइवेटली ओन एंटरप्राइजेस एक साथ मिलकर काम करती हैं। यानी कि इसराइल में पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज को भी उतना ही बढ़ावा दिया जाता है, और इन दोनों ही सेक्टर्स को इसराइली सरकार फंड प्रोवाइड कराती है। और ये एक साथ मिलकर या फिर ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन के तहत भी काम करते हैं, और ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन करने का फायदा इसराइल की इकोनॉमी को पहुंचता है। और इसीलिए अगर भारत को भी इसराइल की तरह ही इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बनानी है, तो इसके लिए भारत को एक डिमांड ओरिएंटेड डिफेंस इंडस्ट्री पर फोकस करना पड़ेगा जो कि ग्लोबल मार्केट की डिमांड्स को पूरा कर सके। और ऐसा होगा ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन करके। इनके अलावा जो एक अन्य चीज हम इसराइल से सीख सकते हैं वो है सिविल मिलिट्री फ्रेमवर्क। आप में से अधिकतर लोगों को ये बात मालूम होगी कि इसराइल में 18 साल से जो
ऊपर होते हैं उन्हें इसराइल की मिलिट्री में सर्विस देना कंपलसरी होता है, और इसी के चलते इसराइल के जो मिलिट्री लीडर्स होते हैं फिर चाहे वो सर्विस दे रहे हों या रिटायर्ड हो गए हों, उनका इसराइल की पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर सभी जगह पर बिल्कुल बराबर का प्रभाव पड़ता है। और इसराइल में अपने मिलिट्री करियर के बाद फिर वहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स होते हैं वो सिविलियन सेक्टर में अपने दूसरे करियर्स की तलाश करते हैं। और यहाँ तक कि जो इसराइल के वर्तमान समय के रक्षा मंत्री हैं, जो कि अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल भी हैं, वे इसराइल डिफेंस फोर्सेस के 20वें नंबर के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। और जबकि भारत में जो ये सिविल मिलिट्री वाला फ्रेमवर्क है इसमें सिविलियन लीडरशिप का पक्ष ज्यादा भारी है, और हमें नहीं लगता है कि जो हमारे देश के टॉप मिलिट्री लीडर्स हैं उन्हें पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होने के लिए ज्यादा बढ़ावा दिया जाता होगा। हमारे कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर बात आती है डिफेंस सेक्टर में किसी भी तरह के फैसले लेने की जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस से संबंधित है, तो इस फैसले में केवल सिविलियन लीडर ही नहीं बल्कि एक मिलिट्री लीडर की राय भी लेनी चाहिए। और अगर उस पर अंतिम फैसला किसी मिलिट्री लीडर का ही हो जो कि ऑलरेडी सर्विस दे चुका है, तो वो एक ज्यादा बेहतरीन फैसला हो सकता है। और जब 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था तो उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस ऑपरेशनल प्लानिंग को जिस तरीके से हैंडल किया था उसी के परिणाम स्वरूप हमें उस समय हार देखने को मिली थी। और उस समय साबित हो गया था कि जो पूरी तरीके से ऑपरेशनल मैटर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से मिलिट्री पर ही छोड़नी चाहिए, फिर चाहे बात प्लानिंग की हो, एग्जीक्यूशन की हो या फिर कुछ और। और जो हमारे टॉप मिलिट्री लीडर्स हैं जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उन्हें पॉलिटिकल सेक्टर में एक अच्छी पोस्ट दी जानी चाहिए जहाँ पे उनके पास इतनी पावर हो कि वे अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर सकें। और इन सब मामलों में इसराइल का डिफेंस सेक्टर भारत के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। हालांकि वर्तमान समय में जो भारत की सरकार है उनकी तरफ से डिफेंस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जो कि बहुत पहले ही उठाए जाने चाहिए थे, जैसे कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत या फिर टूर ऑफ ड्यूटी जैसा कॉन्सेप्ट। और केवल इतना ही नहीं बल्कि आज के समय की सरकार मिलिट्री ऑपरेशंस की पूरी जिम्मेदारी इंडियन आर्म फोर्सेस को सौंप देती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस के बेहतरीन ऑपरेशंस दिखते हैं। यानी कि अच्छी बात है कि मिलिट्री प्लानिंग में सिविलियन हस्तक्षेप काफी कम रहता है, क्योंकि जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस है वो हमारे देश की रक्षा करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो ये है कि सरकार को अपने इंडियन आर्म फोर्सेस पर भरोसा करने की कि वे अपने हिसाब से स्थिति को हैंडल कर सकते हैं। बाकी अगर मौजूदा सरकार डिफेंस प्रोक्योरमेंट में इंपोर्ट को कम करके भारत के प्राइवेट कंपनीज को और बढ़ावा देना शुरू करती है तो ये भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत तेजी से ले जा सकता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, वीडियो देख के तो अभी हो चुका है, और मतलब वीडियो देख के बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे मतलब नई से जाननी मिली आपको भी मिली होगी। और जिस चैनल पे ये वीडियो अपलोड हुआ है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल का नेम है डिफेंस गॉड, मतलब वो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल चैनल है डिफेंस से रिलेटेड। तो उस पर बहुत सारी ऐसी डिफेंस से रिलेटेड है ना नॉलेजफुल वीडियोज़ रहती है, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वीडियो से बहुत सारा नॉलेज जो है आपका वो बढ़ सकता है उससे। तो चलो अभी अपने हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते। तो वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसराइल ने स्टार्टिंग में, मतलब वो भी हमारे जैसे दूसरे देशों से जो वेपन्स रहते हैं वो एक्सपोर्ट करते थे, बट उन्होंने वो करते करते मतलब उस पर इतना रिसर्च एंड डेवलप किया कि उन्होंने जो खुद की वेपन सिस्टम है वो बना ली। तो ये कितनी अच्छी बात है उनके लिए और हमारे लिए सीखने लायक बात है, क्योंकि अगर हम भी हमारा वेपन सिस्टम बना ले तो जो एक्सपोर्टिंग का खर्चा है जो दूसरे देशों से लेना पड़ता है वो हमारा बच सकता है, और मतलब खुद की जो चीज़ें होते हैं उस पर हमारा ज़्यादा भरोसा रहता है दूसरों से ज़्यादा। तो फंडा यहाँ पर मतलब अप्लाई होता है, क्योंकि अगर हम हमारा सिस्टम बना ले तो हमको उस पर ज़्यादा मतलब भरोसा रहेगा और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। बट ये तभी मुमकिन होगा कि जब हम हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेक्टर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चालू कर दे। जैसे कि वीडियो में बताया गया है इसराइल इतना उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है कि जितना अमेरिका भी नहीं करती। इसकी वजह से उनका जो आर्मी सेक्टर है मतलब डिफेंस सेक्टर है वो सबसे पावरफुल है। और जो दूसरी बात है कि इसराइल की जो बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर पे जो सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग होता है, जैसे कि हमने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि बॉर्डर पे नज़र रखने के लिए आर्मी के जो जवान रहते वो लगातार वहाँ पर राउंड मारते रहते, उसे पेट्रोलिंग कहते। तो उसके बजाय उन्होंने वहाँ पर व्हीकल रोबोट डेवलप किए जो बॉर्डर पे नज़र रखते, जो कि ज़्यादा मतलब सिक्योर तरीका है, क्योंकि उससे जवान की जो जान रहती है उसको ज़्यादा मतलब धोखा नहीं रहता है, वो दूर से ही
उस व्हीकल को कंट्रोल करते रहते हैं। और ये सबसे सेफ्टी तरीका है, मतलब आई मीन बॉर्डर्स को सेफ रखने के लिए, क्योंकि एक बार आप सोच लो कि दुश्मन जो है वो इंसान की नज़रों को धोखा दे सकता है, बट जो मशीन्स रहते हैं, टेक्नोलॉजी रहते हैं, उसको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें जो सेंसर्स रहते हैं, उनकी जो क्षमता रहती है, रेंज रहती है, मतलब उसको धोखा देना नामुमकिन रहता है। तो ये बात हमें ज़रूर सीखनी चाहिए इसराइल से, क्योंकि आए दिन हम सबको पता है कि पेट्रोलिंग करते हुए हमारे जवानों पे हमला होता है, उनकी मतलब वो शहीद हो जाते हैं। तो ये सबसे मतलब ये सब उससे रुक जाएगा, क्योंकि अगर हम हमारे बॉर्डर पे ऐसे ही व्हीकल्स डेवलप करके अगर मतलब तैनात कर दे तो हमारे जवानों की जान है उसको भी कम धोखा रहेगा, और जो हमारी बॉर्डर सेफ बहुत ज़्यादा सेफ रहेगी। और जो तीसरी बात है मतलब वीडियो में बताई गई है सिविलाइजेशन फ्रेमवर्क कितना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि इसराइल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कंट्री का हर व्यक्ति, मतलब फीमेल हो या मेल हो, अगर 18 साल के ऊपर उनकी एज हुई तो उनको मतलब मिलिट्री में थोड़े साल के लिए ड्यूटी करना ही पड़ता है। तो उसका जो इफेक्ट है वो उनके अदर सेक्टर्स जो है उन पे पड़ता है। और जो वीडियो में उन्होंने एग्जांपल दिया कि उनके जो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर है तो वो भी पहले डिफेंस में थे, तो उसकी वजह से उनको मालूम है कि जो डिफेंस के मिशंस रहते हैं या फिर जो उनकी डेवलपमेंट रहती है उसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज है। इसके लिए उनकी जो डिफेंस सेक्टर है, उनका जो डिफेंस सेक्टर इसराइल का, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वैसे ही हमारे इंडिया में होना चाहिए। क्योंकि वीडियो में देखा ही आपने कि जो 1962 के वॉर का उन्होंने एग्जांपल दिया है, तो पहले ऐसा नहीं था हमारी इधर, बट अभी जो हमारी अभी की सरकार है वो जो मिलिट्री के डिसीजन है वो मिलिट्री पे छोड़ दे रही है। इसकी वजह से हमने दो बड़े मिशन देखे अभी, जैसे कि उरी हमले के बाद जो स्ट्राइक हुआ और जो बालाकोट का हमला हुआ। तो ऐसे अगर डिसीजन आर्मी पर ही छोड़ दे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है। तो ये बात भी हमें इसराइल से सीखना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल NS रिएक्शन।